तो अमिताभ बच्चन जी आप सभी के बीच में आने वाले हैं। अरे वाह सर, आप आइए, देखिए आपका भी भला हो जाएगा यहाँ पे मायापुर धाम में। अरे भाई सोच रहा हूँ अमिताभ बच्चन और सभी का, ये गंगा घाट है यहाँ पर सभी सभा है। भाई देखिए, ये जो मायापुर धाम है ये बहुत ही पावन जगह है और यहाँ पर महाप्रभु की विशेष कृपा होती है। कहते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदू धर्म के लोग तो जानते ही हैं कि बिना राधा रानी की कृपा के कोई जो है वृंदावन नहीं जा सकता। उसी तरह जब तक महाप्रभु की कृपा नहीं होती आप यहाँ नहीं आ सकते। बिना एंट्री के हम कहीं नहीं जा सकते। जिस जगह पे उनकी कृपा होती है वहीं पे पहुंच सकते हैं। अब हम बुलाएंगे, एक और कलाकार हैं अमरीश पुरी जी। वो क्या है कि ब्रह्मलोक में जा चुके हैं तो उनको थोड़ा आवाज देना पड़ता है। अमरीश जी आएंगे क्या? अरे भाई महाप्रभु की कृपा ना सब पर हुई है, इस बच्ची पर भी हुई है भाई। महाप्रभु जो है ना बहुत दयालु है भाई। अब मैं एक और कलाकार को बुलाऊंगा, उनका नाम है सनी देओल। ये जो महामंत्र तुम लोग कर रहे हो ना, इससे तुम्हारी बॉडी भी बनेगी और दिमाग भी मजबूत हो जाएगा। मेरा सीक्रेट यही है, मेरे में जो हैंडपंप उखाड़ने की पावर आई है ना वो महामंत्र से आई है, मैं बताता नहीं हूँ। पर क्योंकि मैं गंगा मैया पे खड़ा हूँ ना तो सीक्रेट बता सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर मैं जो भी बताऊंगा वो पुण्य में बन जाएगा। एक और है प्राण जी, आपके बीच में आएंगे और वो बोलेंगे। देवियों और सज्जनों, मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता और सभी लोगों से यह विनती करता। अभी यहाँ पर मुझे लोग नहीं सभी आत्माएं दिख रही हैं। गहरी बात बोल दी है क्योंकि मोना को मैंने सोना देना बंद कर दिया है। अभी मैं मोना को केवल नाम दान देता हूँ कि अगर जीवन में, जीवन के बाद और इसी क्षण तुम्हें जीवन को सुगम बनाना है तो महामंत्र को जपते रहिए। कहते हैं कि महामंत्र तो देवी और सज्जनों, जैसे हम सबकी जेब में एक मोबाइल फोन है और हम मोबाइल फोन में किसी का नंबर डायल करते हैं। पुष्पेंद्र जी का नंबर लिया और लगा दिया। पुष्पेंद्र जी को ही लगता है ना कॉल, पुष्पा जी को तो नहीं लगता, राइट? ऐसे ही महामंत्र जो है जब हम इसको चैंट करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान से हमारा कनेक्शन बन जाता है, हमारा जो तार है वो भगवान से जुड़ जाता है। तो भगवान को डायल करने का नंबर